हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरेक्टिव एजुकेशन। सेवन्थ लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड इंसुलेशन कैपेसिटेंस। तो ये दोनों टॉपिक हमारे आ जाते हैं पावर केबल के अंदर ही। तो जो पावर केबल लेक्चर हमने लास्ट में देखा था, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो हमको स्टडी करना है किसके रेफरेंस में, लाइन रेजिस्टेंस के रेफरेंस में। इसका मीनिंग क्या है कि एक तरफ तो हम देखेंगे कि लाइन जो रेजिस्टेंस की हमने स्टडी की है अब तक, वो किस तरह चेंज होता है, उसके फैक्टर्स कौन से हैं, और एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और इंसुलेशन कैपेसिटेंस, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि दो टाइप का हो सकता है, एक तो आपका सिंगल कोर केबल के लिए निकल जाएगा और एक आपका मल्टी कोर केबल के लिए। तो दोनों सिंपल डेरिवेशंस हैं। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट अगर नेटवर्क थ्योरी के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अगर आते हैं, तो यहाँ पर इनको निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट हम करेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस से। तो जब हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो आपका सिंपल पहले हमको पावर केबल का फिगर बनाना होगा। तो पावर केबल में जो आपके होते हैं वो क्या होता है, एक तो आपका कंडक्टर होगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल कंडक्टर। उसकी सपोज क्या है, रेडियस आर है। ये आपकी दोनों साइड में क्या होगी, सीथ हो गई है। ये हमारी आपकी सीथ बना दी हमने। तो ये दोनों क्या है आपस में, आपकी एक तो सीथ और आपका कंडक्टर, ये दोनों मेटल के बने हुए हैं और इनके बीच में क्या आ रहा है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ रहा है। इस तरह से हम केबल को देख सकते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल मान सकते हैं। अब होता ये है कि अगर आपका दो तरह के रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, एक तो हम जो स्टडी करते हैं लाइन रेजिस्टेंस की। लाइन का रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, आपका करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, पहली बात तो करंट आपका किस में फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में। तो कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो आपका क्या हो गया, लाइन रेजिस्टेंस हो गया। अगर हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो उसका मीनिंग है जो आपका ये मेटल है और आपका सीथ है, उन दोनों के बीच में जो लीकेज करंट जो जाएगा, उसके पाथ में जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा है, आपका लाइन रेजिस्टेंस है। ये चीज़ हमें देखनी होगी। तो हम इसको समझने के लिए आगे क्या करते हैं, पहले हम देखेंगे ये आपकी अगर आर रेडियस है, तो आपकी जो टोटल पावर केबल की जो रेडियस है वो सपोज कितनी है, कैपिटल आर है। उसके अलावा इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसके बीच में है, आपका कंडक्टर और आपकी सीथ के बीच में। तो ये इसको मैं एक पाथ की तरह शो कर सकता हूँ, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, और इसमें से जो करंट जा रहा है वो आपका कौन सा है, आई एल, लीकेज करंट जो जा रहा है। ये आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया, आर आई हो गया। अब इसको हमें निकालना है, तो पहले तो हम लाइन रेजिस्टेंस को देख लेते हैं यहाँ पे, उसको कैसे निकाल जाता है। तो लाइन रेजिस्टेंस तो क्या होता है, सिंपल आपका मैं फिर बता देता हूँ, जो आपका करंट फ्लो कर रहा है उसके पाथ में जो रेजिस्टेंस आया है वो आपका लाइन रेजिस्टेंस है, जो आपका सिंपली क्या होता है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस, यानी कि रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे एल क्या है, जो आपकी टोटल कंडक्टर की लेंथ, और ए यहाँ पर क्या है, ए का मीनिंग हो गया यहाँ पर रो एल डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया किसका लिया है हमने, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये हमने यहाँ पर लिया है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है यहाँ पे, कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल आया है किसके, लेंथ के। यानी कि जितना ज़्यादा कंडक्टर होगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, लाइन रेजिस्टेंस होगा। तो ये तो हो गया सिंपल, अगर हम लाइन रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो लाइन रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एल के। यानी कि जितनी ज़्यादा लेंथ ऑफ द लाइन हो गई, कंडक्टर की साइज जितनी ज़्यादा हो गई, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे दूसरा टॉपिक हम देखते हैं, वो है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जिसको यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो जब हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो उसको निकालने का भी तरीका क्या होगा, सेम होगा। बस डिफरेंस क्या आता है, यहाँ पे हम लिमिट लगा के उसका इंटीग्रेशन करते हैं। और इसका पर्पज़ क्या है, ये आपका था सीथ, थी सीथ के बीच में आपका क्या था, ये आपका था कंडक्टर, कंडक्टर आर रेडियस का था, और आर से कहाँ तक जाना है हमको, कैपिटल आर तक जाना है। तो जब हम इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो हम एक छोटा सा इसमें क्या मान लेते हैं, एक इसका पीस ले लेते हैं, जिसकी क्या है, डी एक्स, जिसकी लेंथ है। तो अगर मैं इसके डी एक्स लेंथ लेता हूँ और इसका एरिया निकालना चाहता हूँ, तो एक्चुअल में एरिया कौन सा आएगा यहाँ पे, एक्चुअल एक्चुअल में एरिया का मतलब है, सपोज इसकी एल लेंथ है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, एक सिलेंडर की तरह मान सकते हैं। अभी सिलेंडर हो गया जिसकी लेंथ क्या है, एल है, और उसमें से अगर हम एक पीस कट करते हैं, एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो वो क्रॉस सेक्शन कैसे कटेगा, इस तरह से, डी एक्स लेंथ का क्रॉस सेक्शन हमने कट किया है। तो उसका जो एरिया निकाला जाएगा वो कैसे निकलेगा, सिलेंड्रिकल एरिया के फॉर्मूले से, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई। अब रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ पे इसकी, यानी कि इसकी लेंथ कितनी है, वो आपकी है सपोज एक्स लेंथ है, लेंथ कितनी हो गई यहाँ पे आपकी, एक्स हो गई लेंथ। और इसमें जो इसकी टोटल एल है, जैसा फॉर्मूले में क्या आता है, 2 पाई आर एच होता था, तो उसी को हमने यहाँ पे यूज़ लिया है, 2 पाई एक्स, और लेंथ कितनी है, एल। तो ये इसका हो गया एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, कौन से पाथ का, अगर आपका करंट कैसे फ्लो कर रहा है, लीकेज करंट जो जा रहा है, उसका पाथ कौन सा होगा, आपके कंडक्टर से इंसुले वो सीथ की तरफ जाएगा, मीडियम क्या है, इंसुलेशन है। तो इस तरह से आपने एरिया निकाल लिया। अब हम बात करते हैं इसकी लेंथ की, तो लेंथ कितनी हो गई है, डी एक्स हो गई है। तो अब ये कहीं ना कहीं जो आपका रेजिस्टेंस है उसका जो लेंथ है और एरिया आपस में डिपेंडेंट है, तो इसलिए यहाँ पे हम जो निकालते हैं रेजिस्टेंस वो क्या लिखा जाएगा, डी आर आई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, रो आई फॉर
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लेंथ क्या हो जाएगी, डी एक्स, डिवाइड करना होगा एरिया से, एरिया अपना क्या आ गया, 2 पाई एक्सएल आ गया। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बस वही डिफरेंस है, हमने यहाँ पे डी क्यों लिया है, क्योंकि आपका जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है एरिया और लेंथ पर, और एरिया और लेंथ भी आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले आपकी जो लेंथ थी वो क्या थी, एल थी, और आपका जो एरिया था वो क्या था, पाई आर स्क्वायर थे, दोनों आपस में क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए हमने क्या यूज़ लिया, डिफरेंशिएशन। अब हमें बताया कि हमें रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है, वो आपको लेना है। ये आपका कंडक्टर है, इसकी अगर रेडियस आर है तो आपको रेजिस्टेंस कौन सा पाथ है आपका, ये वाला पाथ है, तो आपको स्मॉल आर से कैपिटल आर तक जाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे लेते हैं अपन, लिमिट से सॉल्व करते हैं। तो आपका जो आर आई है वो क्या हो जाएगा, इसमें हम लिमिट ले लेंगे, लिमिट हो जाएगी आर टू कैपिटल आर, ये आपका हो जाएगा रो आई डी एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई एक्सएल। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपका जो रो आई है वो कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा आपका यहाँ पे, और 2 पाई एल भी आपका कांस्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा। उसके अलावा जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, ये आपका बन जाएगा एक्स का क्या बनेगा, ये बन जाएगा लॉग ई आर बाई आर, ये आपका आ गया, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी इंटीग्रेशन होगा, लॉग एक्स होगा, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, आर से आर तक, तो लॉग आर माइनस लॉग स्मॉल आर, तो ये बन गया लॉग आर बाई आर, बेस क्या है, ई है। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, इंसुलेशन रेजिस्टेंस का, ये आपका फॉर्मूला बन के आ गया। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इन दोनों में डिफरेंस है, उसको आपको पॉइंट को नोट कर लेना है। जो आपने अभी तक निकाला वो तो आपका क्या था, लाइन रेजिस्टेंस। तो जब लाइन रेजिस्टेंस की बात होगी तो आप सिंपल फॉर्मूला यूज ले सकते हो, वो आपका आता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। यहाँ पर एल आपका क्या है, लाइन की आपकी लेंथ हो गई, लाइन लेंथ, और एरिया किसका है, एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया यानी क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे लिख सकते हो। क्रॉस सेक्शन का मीनिंग क्या है, कंडक्टर को आपने यहाँ से बीच में कट किया तो आपका जो सर्किल आ रहा है उसका एरिया, तो वो आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये तो हमने देखा लाइन रेजिस्टेंस के रेफरेंस में। अब इसी को जब हम देखते हैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस का, जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है तो उसके रेफरेंस से हम इसको देखेंगे, तो वो आपका आ रहा है इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस आपका आ रहा है यहाँ पे आर आई, आई सबस्क्रिप्ट लगाते हैं यहाँ पे, रो आई हो गया, डिवाइड करना है 2 पाई एल लॉग ई बेस में आर बाई आर। तो यहाँ पर जो आपका आर है वो किसको बता रहा है, आपकी पावर केबल की रेडियस को, पावर केबल रेडियस हो गई। उसके अलावा स्मॉल आर जो है वो है आपका कंडक्टर की रेडियस है, इसको बोलेंगे हम कंडक्टर रेडियस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपकी एल है वो क्या है, लाइन की लेंथ है, और जो रो आई है वो आपका क्या है, जो आपका इंसुलेटिंग मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल जो है उसकी क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टिव डेंसिटी है, पर किसके लिए है, इंसुलेटिव मटेरियल के लिए है, ये आपको याद रखना है। तो ये तीन चीज़ें। अब एक इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो आपका क्या है, कि आपने देखा कि जो लाइन रेजिस्टेंस था एल वो तो प्रोपोर्शनल आर था लाइन की लेंथ के, जब आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस आता है वो आता है रेसिप्रोकल लाइन की लेंथ के। तो ये आपसे पूछा गया है एक एग्जाम में, कंपटीशन में आ चुका है क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया था कि आपका लेंथ, कंडक्टर की लेंथ और इंसुलेटिव रेजिस्टेंस में क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ज़्यादातर गलती क्या हो सकती है, हम सिंपल फॉर्मूला यूज़ करके आर प्रोपोर्शनल एल लिख सकते थे, पर ऐसा आंसर नहीं आएगा। जब वो लाइन रेजिस्टेंस की बात करेगा तो हम लेंथ के प्रोपोर्शनल बताएंगे, जब वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात करेगा तो हम क्या बोलेंगे, लेंथ के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो ये हो गया आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो आज का है वो है आपका सिंगल कोर केबल में हम स्टडी करेंगे किसकी, कैपेसिटेंस की। अब जब भी हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं, जब लाइन कैपेसिटेंस की बात करें या फिर हम इंसुलेशन कैपेसिटेंस की बात करें, दोनों ही केस में हम कैसे इसको इंडिकेट करते हैं, फेराडे पर मीटर से। इसका मीनिंग क्या है कि आपकी सपोज लाइन की लेंथ अगर एल है तो टोटल कैपेसिटेंस किस कैसे निकालेंगे, अगर ये सी है तो टोटल क्या हो जाएगा, एल इंटू सी, क्योंकि ये यूनिट लेंथ में है और ये आपका टोटल लेंथ में कितना हो जाएगा, एल इंटू सी। इसलिए हमेशा मैन्युफैक्चरिंग रीडिंग्स में हमेशा क्या लिखा होता है, फेराडे पर मीटर। चाहे आप लाइन कैपेसिटेंस ले लो या फिर आप ले लो लाइन इंडक्टेंस ले लो या फिर आप इंसुलेशन कैपेसिटेंस की बात कर लो, सभी केसेस में यही होगा। तो अब पहले तो हम देखते हैं कैपेसिटेंस बनता कैसे है। तो ये आपका क्या हो गया, सीथ हो गया, और इसके बीच में आपकी आ गई सपोज ये आपकी होगी पावर, वो कंडक्टर हो गया यहाँ पे। तो कंडक्टर और केबल के बीच में क्या है आपका, इंसुलेटिंग मटेरियल है। अब मैंने आपको बताया था इंसुलेटिंग मटेरियल की भी कुछ ना कुछ क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती है। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ का मैंने आपको मीनिंग बताया था, क्या है इसका मीनिंग, कि वो उसके अंदर पोलराइजेशन के स्पेसिफिक पोल्स होते हैं, कि वहाँ पे क्या हो सकता है, पोलराइजेशन हो सकता है, तो इसीलिए उसको क्या बोल सकते हैं हम,
ये आपका हो जाएगा पोलराइजेशन की वजह से डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, और इंसुलेशन की भी कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जो यहाँ पे इंसुलेशन जो बीच में आ रहा है, इस मीडियम के बीच में जो इंसुलेशन आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या बनेगा, कैपेसिटेंस बन जाएगा। उसको हम एक बार देख लेते हैं। ये आपका हो गया कंडक्टर, उसी तरह से ये आपका हो गया सीथ हो गई। दोनों क्या है, मेटल की बनी हुई है। ये मैंने आपको बताया था एल्युमिनियम की बना सकते हैं, स्टील की बना सकते हैं, पर मोर प्रेफरली हम एल्युमिनियम यूज़ लेते हैं। और यहाँ पे आपका कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है, कॉपर हो सकता है या फिर आपका एल्युमिनियम हो सकता है, दोनों मेटल हैं। और मेटल के बीच में क्या आ रहा है आपका, ये आपका हो गया डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इंसुलेटिव है, पर इसकी भी कुछ ना कुछ क्या है, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है। तो इन दोनों के बीच में आपने पता है क्या बन जाएगा, कैपेसिटेंस बन जाएगा। कैपेसिटेंस के लिए क्या जरूरी होता है, मेटल की प्लेट्स और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या बन गया आपका, ये हो जाता है आपका कैपेसिटेंस बन जाता है। अब एक और पॉइंट है जो डिस्कशन का है, वो है आपका, सपोज़ ये आपकी सीथ है, दोनों हो गई, और ये आपका बीच में आ गया सपोज़ ये कंडक्टर। अब होता क्या है कि कंडक्टर को हम किससे कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज से। ये वोल्टेज हो गई, और सेकंड फेज क्या होता है, सॉरी, जो सेकंड इसका टर्मिनल है वो ग्राउंडेड होता है। इस तरह से वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड है। अब आपको पता है कि सीथ भी क्या है आपकी, ग्राउंडेड है। तो इसको अगर हम नेटवर्क के अंदर देखेंगे, तो एक्चुअल में जो कंडक्टर है और सीथ है, उनके दोनों के बीच में भी कौन सी वोल्टेज क्रिएट हो गई, VP, जो इसकी क्या है, फेस वोल्टेज है। क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, सिंगल कोर केबल की। ये क्या है आपकी, सिंगल कोर केबल है, क्योंकि एक ही कंडक्टर डला हुआ है किसके अंदर, पावर केबल के अंदर। तो इस रीजन से हमने निकाल लिया कि कंडक्टर और सीथ, यानी कि दोनों मेटल प्लेट्स के बीच में जो वोल्टेज है वो कितनी है, V है। तो अभी आपके डेरिवेशन में यूज़ होगी। अब हमने एक और चीज़ आपको बता दी है कि जो आपका कैपेसिटेंस है वो कैसे मेजर किया जाता है, फेराडे पर मीटर में। अब वो कैपेसिटेंस बनेगा किन के बीच, इन दोनों के बीच में। तो इसका ऐसे मैं यहाँ पर इंडिकेट कर सकता हूँ, ये आपका हो गया इंसुलेशन कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले देखेंगे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आता है, वो है आपका B=μH। अब यहाँ पे B क्या होता है आपका, इसको लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसका एक फॉर्मूला φ=BA होता है। ये सब हम देख चुके हैं मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में देख चुके हैं। अगर ये नहीं आता है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की भी एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो ये φ=BA हो गया। अब यहाँ पे सेकंड चीज़ आती है, इसी को अगर हम एनालॉगस एक इक्वेशन बनाएं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो वो आपकी क्या बनेगी, D=, ये एक तरह से याद रखने का एक तरीका है, εH आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, E आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। यहाँ पे आ गया आपका E। तो यहाँ पे जो D है वो क्या है, वो आपका बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी को। और आपका जो कैपिटल E है वो आपका क्या बताएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। जैसे आपका यहाँ पे H किसको बताता है, वो बताता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बताता है। तो इस तरह से D आ गया। अब यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला बनाया था φ=BA। तो आपको एक तो फॉर्मूला याद रखना है ये वाला, ये आपके अभी यूज़ होगा डेरिवेशन में, क्योंकि कैपेसिटेंस किसकी प्रॉपर्टी है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला यूज़ होगा वहाँ पर। दूसरा है कि आपके पास φ=BA जैसे होता है, उसी तरह से अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं इलेक्ट्रिक एनालॉजीज में चेंज किया करूँगा, तो क्या बनेगा आपका, जो फाई है वो क्या बन जाएगा, क्यू चार्ज इक्वल टू, अब आपके यहाँ पे जो B है वो क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा B किसके इक्वलेंट है आपका, BD के इक्वलेंट है, और एरिया आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला बन गया D=Q/A। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये दोनों फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप इजीली कैपेसिटेंस को डेरिवेट कर सकते हो। तो अब ये दोनों फॉर्मूले से हम इसको डेरिवेट करेंगे। तो कैपेसिटेंस की जब बात की जाती है, तो कैपेसिटेंस को निकालने का सबसे बेटर तरीका यही है कि आपको अगर Q=CV अगर आपको आता है, एक सिंपल फॉर्मूला है, तो अगर आप कैसे भी Q और V में रिलेशन लेके आ जाते हो, किसमें, Q और V में अगर रिलेशन ले आते हो और Q को V से अगर डिवाइड कर देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो आपका प्राइमरी पर्पस क्या हो गया, हमें Q और V में रिलेशन लेके आना है। Q और V में रिलेशन लेके आने से पहले आपको पता है कि आपका वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या होता है, रिलेशन होता है, क्योंकि V=आपका क्या हो जाता है, V=, सिंपली आपका रिलेशन होता है ED से, V=, आपका ED हो जाता है। क्योंकि E किसका है, वोल्ट पर मीटर, तो आपको D से मल्टीप्लाई कर दो तो वोल्टेज आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप E और Q में रिलेशन निकाल लेते हो, तो आपका V और Q में रिलेशन बन जाएगा। तो अब हमारा प्राइमरी पर्पज हो गया E और Q में रिलेशन लेके आना। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि कैसे आपका ये फॉर्मूला आया है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं हम डेरिवेशन करना। तो सिंपल, आप पहले क्या करोगे, आपको एक लाइन चार्ज यहाँ पे डिफाइन करना होगा, यानी कि आपका जो लाइन का चार्ज कितना है। लाइन चार्ज से मीनिंग क्या है, यहाँ पे आपका यूनिट जो चार्ज होता है, यानी कि स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू क्या है आपका, क्यू डिवाइडेड बाई एल है। इसका मतलब क्या है आपका, कूलाम पर मीटर,
ये आपको समझना है पहले कि आपकी जो पावर केबल की लेंथ थी उस लेंथ के अकॉर्डिंग हमने आपका यूनिट चार्ज निकाल लिया, तो उस यूनिट चार्ज को हमने लिख दिया क्यू, स्मॉल क्यू से हम इसको इंडिकेट करेंगे। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं डी से। ये हमने अभी से ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आप कोई दिक प्रॉब्लम नहीं, अगर आप कैपिटल क्यू लेके चलते हो तो भी आपका लास्ट में फॉर्मूला आ जाएगा, पर आपको किस में कन्वर्ट करना था, उसे फेराडे पर मीटर में। तो इसीलिए हम इसको यूनिट यूनिट लेंथ के लिए निकालना है, इसीलिए शुरू से ही हम क्या करते हैं क्यू को यूनिट लेंथ में लेकर चलते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ से कन्फ्यूजन है तो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैपिटल क्यू लेकर भी चल सकते हो, ज़्यादातर बुक्स में आपको मिलेगा स्मॉल क्यू से। तो हम पहले इसको थोड़ा चेंज करते हैं, हम कैपिटल क्यू से इसको डेरीवेट करते हैं, फिर आपका लास्ट में आपका रिजल्ट आएगा जो स्मॉल क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। तो बुक्स वगैरह में आपको मिलेगा, वो कोई भी बुक उठाओगे तो आपको मिलेगा क्यू बाई एल से, कैपिटल क्यू बाई एल यानी कि स्मॉल क्यू से आगे फॉर्मूला डेरीवेट किया हुआ है, और सही भी तरीका यही है। फिर भी मैं आपको कैपिटल क्यू से एक बार करके दिखाता हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिंपल बाई एल का डिफरेंस आएगा। तो आपका सपोज चार्ज कितना है, क्यू है। अब आपको बताया जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो डेंसिटी निकलेगी वो क्या है, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू बाई एरिया। एरिया क्या आएगा यहाँ पे, इसको फिर हमें कैपिटल ही लेके चलना होगा, तो ये आपका हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई अब एरिया, क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला देखा था क्यू इक्वल टू क्या होता है डी ए। तो एरिया क्या बनेगा यहाँ पे, टू पाई एक्स एल, वही सिलेंड्रिकल एरिया की तरह लेना होगा, तो ये हो गया टू पाई एक्स एल। तो यहाँ पर भी आपका क्या आया एक्चुअल में, क्यू बाई एल ही आया है, इसीलिए वो शुरू से ही क्या लेके चलता है, स्मॉल क्यू। तो हम अभी इसको चेंज कर देते हैं, वो आपका हो जाएगा स्मॉल क्यू बाई टू पाई एक्स, तो ये आपका बन गया डी। डी तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें किस में रिलेशन लेके आना था, जैसे मैंने आपको बताया था ई और क्यू में रिलेशन लेके आना था। अब क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे, डी को हम जानते हैं क्या होता है, क्योंकि आपने अभी फॉर्मूला देखा है डी इक्वल टू क्या होता है एक्साइलेंट इंटू आपका आ जाता है यहाँ पे कैपिटल ई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्साइलेंट आपका क्या होता है, एक्साइलेंट आर इंटू एक्साइलेंट नॉट इंटू ई होता है। तो इस फॉर्मूले को आगे जब लिखेंगे तो आपका क्या बन जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम कैपिटल ई निकालना चाहते हैं तो क्या बनेगा, डी बाई एक्साइलेंट नॉट एक्साइलेंट आर। स्टेप वाइज हम चल रहे हैं, तो इससे आपका कैपिटल ई कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका कैपिटल ई आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई टू पाई एक्स एक्साइलेन नॉट एक्साइलेन आर इंटू एक्स, ये आपका बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब आपको बताया कि रिलेट तो आपको किसको करना था, वोल्टेज एंड क्यू को, तो इसके लिए क्या किया जाएगा, अब ई को वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो वी इक्वल टू क्या होता है, ई डी होता है। ई डी निकालना है तो आपको क्या करना होगा, अब वोल्टेज आपको पता है तो, पर एक्चुअल में कितनी है, ये कंडक्टर ये है, ये आपकी सीथ है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है, स्मॉल आर से कैपिटल आर तक। तो दो चीज़ें होती हैं वोल्टेज के फॉर्मूले में, जब ई का, जब हम क्या करते हैं इस तरह से, इसका एक फॉर्मूला बनाया गया है ई डी एक्स, यही किया जाता है। और यहाँ पे हम नेगेटिव साइन कब लगाते हैं, जब आप वोल्टेज को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जा रहे हो तब तो हम पॉजिटिव साइन यूज लेते हैं, और जब लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज की तरफ जाओगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव साइन यूज लेंगे। अब हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, अगर आप सपोज आर से कैपिटल आर की तरफ जा रहे हो, तो आर एक्चुअल में क्या है, आपकी वोल्टेज सोर्स है, और ये आपका क्या है, ग्राउंड है। तो हाई वोल्टेज क्या है, आर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सिंपली हम स्मॉल आर कैपिटल आर पॉजिटिव में लेके लिख सकते हैं, क्यू बाई टू पाई एक्स एक्साइलन नॉट एक्साइलन आर एक्स लिख सकते हैं। ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है ये सेकंड। कुछ बुक्स में कैसे लिखा होता है, कुछ बुक्स इसको लिखती हैं कैपिटल आर से स्मॉल आर की तरफ। तो जब हम कैपिटल आर से स्मॉल आर की तरफ लिखेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा आपका, ये आपकी सीट थी, ये आपका कंडक्टर था, तो कैपिटल आर कौन सा है आपका, ये वाला है, और ये स्मॉल आर है, तो ये आपका ग्राउंडेड है, ये आपका पॉजिटिव वोल्टेज वाला है। तो आपको जब जीरो से हाई वोल्टेज पे जाना है तब आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, इसलिए वो क्या लिख देती हैं कुछ बुक, यहाँ पे लिखती हैं कैपिटल आर टू स्मॉल आर नेगेटिव क्यू बाई टू पाई एक्स एक्सेलेंट ई आर एक्स। तो ये सबका मीनिंग क्या है, सेम ही है, यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स आएगा। तो इस फॉर्मूले से अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आपका जो रिजल्ट आता है वो आता है सिंपल, जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपका वोल्टेज आ जाएगा क्यू बाई टू पाई एक्सेलेंट एक्सेलेंट आर लॉग ई, यानी कि एल एन लिख सकते हैं, और ये आपका कैपिटल आर डिवाइडेड बाई आर, ये वोल्टेज का फॉर्मूला बन गया। अब जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आप वी और क्यू में रिलेशन लेके आ जाते हो, क्योंकि कैपेसिटेंस का कहीं भी पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में किसी भी चीज़ का आपको कैपेसिटेंस निकालना है, तो आपको सिंपल यही फॉर्मूला यूज लेना होता है कि आप किसी भी तरह से उसके चार्ज और वोल्टेज में क्या ले आओ, रिलेशन ले आओ, और वो अगर रिलेशन आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना। कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाई वी होता है, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ, यानी कि पर फेस है, और ये इंसुलेशन का है तो आई भी लगा सकता हूँ यहाँ पे। अब क्यू वाई वी क्या होगा आपका, ये बन जाएगा आपका टू पाई एक्साइलन नॉट एक्साइलन आर डिवाइडेड बाई एल एन कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, और ये आपका बन गया सी पी आई का फॉर्मूला तैयार हो गया। तो अब आपको
डेरिवेशन समझ में आ गया तो बेटर है, बाकी आप ये फॉर्मूले याद रख सकते हो। ज़्यादातर अगर पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इंसुलेशन कैपेसिटेंस आपका किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो एक तो क्या करेगा वो आपका एक्सेल एंड आर यानी कि रिलेटिव जो आपकी जो आपने इंसुलेटिव मटेरियल लिया है अगर उसकी रिलेटिव परमिटिविटी अगर ज़्यादा है तो आपका इंसुलेशन कैपेसिटेंस भी क्या होगा ज़्यादा होगा। और उसके अलावा इस वाले फैक्टर पर डिपेंड करता है लॉग ई आर बाई आर पर भी। इसके साथ जो न्यूमेरिकल अगर आपके आ सकते हैं तो वो आपसे एक और चीज़ पूछ सकता है कि आपका जो डिस्चार्ज वाला जो करंट है यानी कि जो कैपेसिटेंस में जो करंट जाएगा जिसको हम IC बोलते हैं वो कितना जाएगा। तो इसको निकालने के लिए भी आपको अगर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है कि जो IC होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। सिंपल ओम्स का लॉ क्या कहता है अपन से, वी इक्वल टू आई इंटू इम्पीडेंस, जेड देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो इम्पीडेंस है वो क्या हो जाएगा, आई इंटू आपका इम्पीडेंस क्या है यहाँ पे, वो है आपका 1/ω, ये आएगा ओमेगा इंटू सी आएगा। अब यहाँ पे हमें आई निकालना था तो आई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओमेगा सी वी। अब इसको थोड़ा और रिलेट कर देते हैं हम, तो वो आपका आई की जगह आई के साथ क्या लगाएंगे, सी यानी कैपेसिटेंस में कितना करंट जा रहा है। ओमेगा क्या लिख सकते हैं, 2 पाई f, f क्या है आपकी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी है। सी क्या है आपका जो अभी आपने निकाला है, पी आई। वोल्टेज क्या है जो अभी हम दे रहे हैं, वो आपकी क्या है, फेस वोल्टेज है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये आपका आ गया। अब एक चीज़ हमने देखी है इस पूरे फॉर्मूले में, कैपेसिटेंस के अंदर क्या आया है आपका, कैपेसिटेंस किसकी फॉर्म में आया है, फेराडे पर मीटर की फॉर्म में आया है। क्यों आया है, क्योंकि हमने चार्ज कैसे यूज़ में लिया है, कूलाम पर मीटर में लाइन चार्ज लिया है यूनिट डिस्टेंस में। तो कैपेसिटेंस भी कैसा है, यूनिट डिस्टेंस में आया है। उस तरह जो आपका करंट आएगा वो भी आपका कैसा आएगा, यूनिट डिस्टेंस में यानी कि एम्पियर पर मीटर। तो जो फॉर्मूले याद रखने हैं वो आपके क्या क्या हो चुके हैं, एक बार हम सारे फॉर्मूले को यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं जो आज के लेक्चर में हमने देखे हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को फिनिश कर देते हैं। तो जो आपके फॉर्मूले हैं वो हो चुके हैं अब तक, जो फर्स्ट फॉर्मूला जो आया था वो था आपका सिंपल लाइन रेजिस्टेंस, वो आपका है रो एल अपॉन ए। सेकेंड फॉर्मूला है आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट है उसको याद रखना है, आई लगाया मैंने यहाँ पे। तो जो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया था, रो आई डिवाइडेड बाई 2 पाई l एल एन आर बाई आर। इसको एक बार आप चेक कर ले, लास्ट में मैंने यही लिखवाया है। थर्ड आपका जो फॉर्मूला आया है वो आपका है कैपेसिटेंस का, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया आपका, सी पी इज इक्वल टू, ये भी क्या है आपका, कैपेसिटेंस पर फेस किसका है, इंसुलेशन का। इन चीज़ों में मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, लाइन की बात करते हैं वो अलग चीज़ है और इंसुलेशन की बात करते हैं वो अलग चीज़ है। इंसुलेशन कैपेसिटेंस डिफरेंट थिंग है, ये किस किस के बीच में, सीथ और कंडक्टर के बीच में, और जो लाइन कैपेसिटेंस है वो किसका है, कंडक्टर का कैपेसिटेंस है। तो सी पी आई यानी कि इंसुलेशन कैपेसिटेंस आपका कितना आया है, 2 पाई xln0 er डिवाइडेड बाई ln R डिवाइड बाई r, किसकी फॉर्म में, फेराडे पर मीटर की फॉर्म में आया है। उस तरह से हमने निकाला है जो आपका कैपेसिटेंस में जाने वाला करंट कितना होगा, तो वो आपका आया है 2 पाई f यानी कि ओमेगा सी पी एच पर फेस, जो आपका कैपेसिटेंस निकाला गया, आई लगा देते हैं हम, यहाँ इंसुलेशन कैपेसिटेंस है इसलिए ये आपका हो जाएगा वी वी फेस और एम्पियर पर मीटर। तो ये हो जाते हैं आपके आज के लेक्चर के चार फॉर्मूले, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में आ सकता है। तो सिंपली आपको बस एक बार लेक्चर अगर आपने देख लिया और सिंपल डेरिवेशन है एक बार करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी अलग से कोई चीज़ यूज नहीं ली है, सिंपल मैथमेटिक्स को यहाँ पे, वो भी नेटवर्क थ्योरी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने यूज़ लिए हैं। तो जो फॉर्मूले मैग्नेटिज्म के होते हैं उनको आप सिंपल, अगर आपको इलेक्ट्रिकल एनालॉगस उनका पता है तो आप सिंपली उनको कन्वर्ट करके फॉर्मूले बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अब मैं यहाँ पे लास्ट में वही आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जो आपके अभी हाल फिलहाल किसी कंपटीशन में आ रहा है और आपको उस पर लेक्चर चाहिए तो आप उसे मेल कर सकते हो, इंटरेक्टिव टू एजुकेशन @gmail.com, और ये आपको चैनल के अबाउट सेक्शन के अंदर भी आपको जीमेल मिल जाएगा। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, मेल कर सकते हो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई आप टॉपिक चाहते हो जिस पर मैं अभी कोई लेक्चर बनाऊं, क्योंकि पावर सिस्टम की लेक्चर सीरीज़ में टाइम लगेगा और कंपटीशन अगर अभी है तो उससे रिलेटेड मैं आपको लेक्चर यहाँ पे तैयार कर दूंगा। सो थैंक यू।